कहानी में आनंद भी आता है और सीख भी मिल जाती है। दोस्तों, जिस तरह मैं महात्मा बुद्ध की कहानियों से मोटिवेशन फैलाता हूँ, उसी तरह आपका सब्सक्राइब करना मुझे मोटिवेशन देता है। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक वृद्ध आदमी को देखा। वो काफी दुखी प्रतीत हो रहा था। कभी वो जोर जोर से हंसने लगता तो कभी जोर जोर से रोने लगता। ऐसा लगता था जैसे ये कोई पागल है। बुद्ध उस आदमी के पास गए। वो आदमी बुद्ध को देखते ही उनके चरणों में गिर गया और बोला, आज तक मैं आपकी हर बात को नकारता था, कभी आप पर विश्वास नहीं किया, मुझे माफ कर दें, आप सही थे। मुझे आज ये समझ में आ गया है कि आप जो भी कहते थे वो सब सत्य निकला। बुद्ध ने उसके आंसू पोंछे और उसे भोजन खाने के लिए दे दिया। वो व्यक्ति बेहद भूखा था। वो खाना लेकर खाने लगा। वो एक निवाला खाता और रोने लगता। ये सब बुद्ध के शिष्य देख रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा कि इनको क्या हुआ है, क्या इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बुद्ध कहते हैं, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जाओ उनसे ज्ञान लो। शिष्य उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बाबा आपको क्या हुआ है, क्या आप हमें बताएंगे। वृद्ध आदमी ने कहा, कुछ साल पहले मैं महात्मा बुद्ध से मिला था, उनके उपदेश सुने थे, लेकिन मुझे वो बेकार लगते थे। मुझे लगता था वो किसी काम के ही नहीं है। जीवन जीने के लिए उनके उपदेश जरूरी नहीं है। मैंने हमेशा उनका विरोध किया, यहाँ तक कि उनके खिलाफ षड्यंत्र तक रचा ताकि लोग उनके बहकावे में ना आए। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, कभी भी धन का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मैं यही तो करता था और उसी में मेरे को आनंद आता था। पैसे उड़ाना, मदिरापान करना, यही सब मैं करता था, जबकि मुझे मालूम था बुद्ध ने इन सब के लिए मना किया है। और मैं देखता भी था, जो लोग बुद्ध के कहे अनुसार चलते थे, बेशक उनके पास चाहे धन ना हो लेकिन वो फिर भी आनंद में रहते थे। और यही सोचकर आज मैं रो रहा हूं कि काश काश मैंने बुद्ध की बात सुनी होती। यही सोच मैं हंस भी रहा हूं कि मेरी तरह बाकी सब भी ये बातें बुढ़ापे में समझ पाते हैं और बाद में पछताते हैं कि शायद वो पहले इन बातों को समझ पाते। मुझे याद है बुद्ध ने कहा था, जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। शिष्यों ने कहा, आपके पास इतना ज्ञान है, क्या आप हमारे साथ उसे साझा करेंगे ताकि हम भी ज्ञान ले सकें, जीवन को सही तरीके से जी सकें। वृद्ध आदमी ने कहा, महात्मा बुद्ध के शिष्य हैं आप सब, बुद्ध के समान जीवन की गहराइयों को कोई नहीं जानता। जितने सही से वे आपको बता सकते हैं कोई और नहीं बताएगा, लेकिन फिर भी मैंने जो समझा है आपको जरूर बताऊंगा। उसके बाद उसने कहना शुरू किया, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जीवन एक रेस की तरह है, हम सब उसमें भागते रहते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो सोचते हैं कि हमारे पास हर खिलौना हो जो किसी दूसरे पर ना हो। मेरी माँ बहुत सख्त थी, वो हमेशा मुझे डांटती रहती, लेकिन मैं आज़ादी चाहता था। वो ना मिलने पर मैं सोचता था कि काश मैं मर जाऊँ तो ही अच्छा हो। उसके बाद मैं सोचता कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो उसके बाद मुझे सारी चीज़ें और मेरी आज़ादी भी मिल जाएगी और मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो ये सब बातें व्यर्थ लगने लगी, लेकिन दौड़ अभी भी जारी थी। मैं अपने मित्रों से अधिक धन कमाना चाहता था ताकि हर चीज खुद के लिए अच्छी तरह कर सकूं, अच्छे कपड़े पहन सकूं, अच्छा घर बना सकूं, उन्हें दिखा सकूं कि मैं उनसे अधिक हुनरमंद आदमी हूं। उसके लिए मैंने षड्यंत्र रचे, झूठ बोला, धोखा दिया, लेकिन ये सब करते हुए मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कुछ समय बाद मेरे माता पिता ने
मेरा विवाह कर दिया। जो लड़की मेरे जीवन में आई वो बहुत सुंदर थी और उसकी हर बात मुझे अच्छी लगती थी। मेरा वो हर चीज में साथ देती थी, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी मेरी कोई संतान नहीं हुई। मैं अपने मित्रों का बच्चा देखकर उनसे ईर्ष्या करता कि मेरे बुढ़ापे की लाठी कौन बनेगा। कुछ समय बाद वो दिन भी आ गया जब मेरा एक पुत्र हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन कुछ समय बाद मुझे ये लगा कि काश मेरा एक बेटा और होता तो मेरे दोनों कंधे मजबूत होते और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली, मुझे एक और पुत्र हुआ। सब अच्छा चल रहा था, मेरा व्यापार भी आगे बढ़ रहा था। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है जो तुम इतने सफल हुए। तुम्हारे माता पिता ने तो कुछ नहीं किया और वैसे भी उनकी उम्र हो गई है, उन्हें तीर्थ यात्रा पर चले जाना चाहिए। मुझे उसकी कही हर बात सही लगती थी। जब मैंने पिता से इस बारे में कहा तो उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि मुझे ये बात पसंद नहीं आई, और उसके बाद से मुझे मेरे पिता की कही हर बात गलत लगने लगी। वो मुझे व्यापार में भी स्वतंत्र निर्णय नहीं लेने देते थे, मुझे अब आज़ादी चाहिए थी और ईश्वर ने मेरी बात सुन ली। मेरे पिता की तबीयत अचानक खराब हो गई। वैद्य ने जवाब दिया कि जिससे भी मिलाना है मिला लो, अब ज्यादा समय नहीं बचा है इनके पास। मुझे ये सुनकर दुखी होना चाहिए था, लेकिन मैं तो खुश हो रहा था कि अब मैं आजाद हो जाऊंगा। मेरे पिता को इसी अवस्था में 6 दिन निकल गए थे। सब लोग उनसे आकर मिल चुके थे। उसके बाद एक दिन मैं और मेरी पत्नी पिता से मिलने गए तो मेरी पत्नी ने कहा कि सबसे तो ये मिल लिए, अब मरते क्यों नहीं है। मुझे मेरी पत्नी की हर बात सही लगती थी कि वो हमेशा सही कहती है। अगले दिन जब मैं पिता के कमरे में गया तो देखा उनकी मृत्यु हो गई है। मेरी माँ वहाँ बैठे अकेली रो रही थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आ गया और मैंने तब सोचा कि मैं अपने पिता की अंतिम यात्रा बेहद भव्य निकालूंगा ताकि सबको पता चले कि मैं उनसे कितना प्यार करता था। और मैंने वही किया। पिता की अंतिम यात्रा बेहद अच्छी निकाली, सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। मैं मन ही मन बेहद खुश हुआ, लेकिन चेहरे पर दुख के भाव दिखाने पड़ रहे थे। अब मैं आजाद था, हर चीज अपने हिसाब से कर रहा था। मुझ में अधिक धन कमाने की इच्छा जाग गई थी। मैं बेहद धन कमाने की होड़ में चल दिया और कमाया भी। मैं अपने घर का सबसे अमीर आदमी बन गया। धीरे धीरे समय बीता, मेरे दोनों बेटों की शादी हुई और मैं बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन दौड़ अभी भी बाकी थी। मैंने अपने दोनों पुत्रों का विवाह बड़े व्यापारियों की बेटियों से कर दिया ताकि मुझे व्यापार में और ज्यादा लाभ हो सके। धीरे धीरे उम्र बढ़ती चली गई और बुढ़ापा आता रहा। एक दिन मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई और तब मुझे पहली बार अकेलेपन का एहसास हुआ। तब मैंने बुद्ध के बारे में सुना और मैं उनके उपदेश सुनने के लिए उनके आश्रम चला गया। लेकिन बुद्ध के विचार मेरे विचारों से अलग थे, मैं उनसे सहमत नहीं हुआ। मेरी तरह वहाँ और भी लोग थे जो बुद्ध के विचार से सहमत नहीं थे। मुझे वे लोग मेरे शुभ चिंतक लगे और मैंने बुद्ध की बात नहीं सुनी। धीरे धीरे समय बीतता गया और मेरी तबीयत खराब होने लगी और मैंने बिस्तर पकड़ लिया। मैंने बड़े से बड़े वैद्य को दिखाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आया और बोला, पिताजी अब आपसे काम नहीं होगा, व्यापार अब मुझ पर छोड़ दीजिए। और छोटे भाई की भी चिंता मत करें, मैं उसे भी संभाल लूंगा, आप सारा व्यापार मेरे नाम कर दीजिए। मैंने अपने पुत्र से कहा, अभी मैं मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद मेरा दूसरा बेटा आया, उसने कहा, पिताजी बड़ा भाई नशा करता है, आप तो जानते ही हैं, आप सब मेरे नाम कर दें, मैं आपकी तरह ही इसे आगे लेकर जाऊंगा। मैंने अपने दूसरे बेटे से भी यही कहा कि मैं अभी मरने वाला नहीं हूँ, बस बीमार हुआ हूँ, मैं ठीक हो जाऊंगा, अभी तो मुझे और जीना है। लेकिन इस बार ईश्वर ने मेरी बात नहीं सुनी और वैद्य ने मेरे पुत्रों से कहा कि जिससे मिलाना है मिला दो, समय बेहद कम है,
ये सुनकर मेरी दोनों बहुएं रोने लगी। मेरे बेटों ने सभी रिश्तेदारों को बुला दिया। सब मुझसे मिलने आते और कहते कि आपके बिना अब सब अकेले कैसे चलेगा। मैं अभी जीवित था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सब मुझे अभी से मरा हुआ मान रहे हैं। उस दिन मुझे मेरे पिता की बेबसी का एहसास हुआ और सोचा, ये जीवित में ही क्यों मुझे मार रहे हैं और सब कितने स्वार्थी हैं। अब तो मेरे बेटे भी बंटवारे के लिए मेरे आगे लड़ रहे हैं और उनकी पत्नियां उनका साथ दे रही हैं कि मेरा धन कमाना किस काम आया जो मुझे ठीक ही नहीं कर सका। मैंने बेकार में पूरा जीवन इस धन के पीछे बर्बाद कर दिया। हर गलत काम किया, नशा किया, षड्यंत्र रचा, लेकिन सब बेकार गया। मैंने ये सब क्यों किया? काश मुझे ये बात पहले समझ आ गई होती कि ये सब एक दिन यहीं रह जाना है। इससे अच्छा होता मैं कोई नेक काम करता जिससे लोग मुझे याद रखते। काश ये बात मुझे पहले पता चल गई होती जब मेरे पिता बिस्तर पर थे। तब शायद मैं कुछ अच्छा कर पाता, जीवन को नई दिशा दे सकता। मैंने दोनों बेटों को बुलाया और पूछा, मेरी अंतिम यात्रा कैसे निकालोगे? कि आप मेरे नाम सब जायदाद कर दें, मैं आपको भव्य तरह से विदा करूंगा। और दोनों फिर से लड़ने लगे। तब मुझे लगा कि ये सब किया मैंने, मेहनत मेरी, लेकिन सब छूट रहा है। ये कुछ भी अब मेरा नहीं है। अब सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मृत्यु मेरे सामने है। मैं सबको शमशान ले गया, मेरी माता पिता पत्नी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि एक दिन मैं भी यहाँ आऊंगा। मैंने अपना पूरा जीवन कामयाबी से निकाला, लेकिन अब लगता है कि मैंने जीवन जिया ही नहीं। बचपन से लेकर अब तक बस दौड़ा चला जा रहा हूँ। किस चीज में आज तक उलझा रहा पता ही नहीं चला। और जब आखिरी समय पर सब बातें समझ में आई तो बहुत देर हो चुकी थी। ये बातें कहकर बुजुर्ग चुप हो गया और महात्मा बुद्ध के पास आकर कहा कि मेरे अंतिम समय में मुझे कुछ मिल सकता है। बुद्ध ने कहा कि बेशक तुमने अपना पूरा जीवन अज्ञानता में निकाल दिया हो, लेकिन ज्ञानता का एक क्षण भी काफी होता है। तुम्हारे पास अभी जो भी समय बचा है वो ज्ञान से पूर्ण है। अब जो भी तुम्हें मिले, सांसें या फिर मौत, उसे स्वीकार करो। वर्तमान पर केंद्रित हो जाओ। जो भी तुम्हें मिले उसे खुशी से स्वीकार करो। जितना रहस्य जीवन में है उससे ज्यादा रहस्य मौत में है। जो खुशी जीवन दे सकता है उससे भी बड़ी खुशी मौत दे सकती है। केवल पूर्ण रूप से देखना, एक एक क्षण देखना। दुख मत करना, भूतकाल को भूल जाओ, भविष्य की चिंता मत करो। जो अभी है, इस समय है, इसी के साथ मिल जाओ। जो जागृति तुम्हारे अंदर आई है वही जागृति, यही ज्ञान तुम्हारी सहायता करेगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे अपने मित्रों, रिश्तेदारों और प्रियजनों के साथ साझा जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें ताकि हम जब भी कोई कहानी डालें तो आपको तुरंत पता चल जाए। तो मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।